नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदान। पुष्कर स्थित जेएमएल कोर्ट में आज अखिल भारतीय राजपूत सेवा सदन की ओर से भक्त और शिरोमणि राव जेएमएल जी का जयंती समारोह आयोजित हुआ। समारोह की अध्यक्षता अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने की और समताराम महाराज के सानिध्य में धूमधाम से जयंती मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर, बीजेपी नेता भंवर सिंह पलाड़ा, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिरकत की और समाज के लोगों को संबोधित कर समाज हित के लिए नई ऊर्जा का संचार किया। जेएमएल ट्रस्ट उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह कडेल ने बताया कि वीर शिरोमणि राव जेएमएल राठौर को 517वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जयमल जी की 517वीं जयंती मनाई गई है। हर साल वर्ष मनाते हैं, इस साल 517वीं जयंती थी। इसमें मुख्य अतिथि उन्होंने बुलाया था राजेंद्र राठौर को, उन्होंने किसी भी कारण से उनका आना नहीं हुआ। अध्यक्षता हमारे जिला प्रमुख अजमेर सुशील कुमार पलाड़ा ने की। इसी अतिथि को धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष आरटीडीसी राजस्थान भंवर सिंह जी पलाड़ा, समाजसेवी और विशेष तौर से युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी, शिव विधायक आदि बधाई थे और कुछ हमारे जिले के प्रधान और कुछ नगर मान नागरिकों ने भाग लिया था। वो अतिथि के रूप में बधाई थे। ये वर्ष हम हर वर्ष करते हैं, हर साल ये मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। अभी जो कुछ सुझाव आए उस पर भी हमने समाज की तरफ सुझाव आए हैं कि अब हमको सबकी मदद करनी चाहिए। तो हम सभी लोगों को, हमारे समाज के साथ साथ हमारी इच्छा है कि हमारे समाजों के 37 कौम के कोई भी गरीब गुरबा हमारे पास आता है और हम उसके, हमारे पास जो फंड है उसमें से अवेलेबल है, हम उसको मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को दिया, सभी विसर्जन किया। करीब करीब सभी जिले, सभी पंचायत समिति से, सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रधान किशनगढ़ से आए हैं, रूपनगढ़ से आए हैं, खेकड़ी से आए हैं, सरवार से आए हैं, ब्यावर से आए हैं, किशनगंज से आए हैं, बिनाय से आए हैं। जिस प्रकार जयमल जी ने सबको साथ लेकर के, सारे समाज के 36 कौम को साथ लेकर के, जिस प्रकार से समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें भी राजपूत भाइयों से निवेदन है कि आपको भी समाज का कोई भी गरीब गुरबा, कोई भी गरीब है, उसकी मदद करनी है। और हमको जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने मदद करी उसी प्रकार से हमको भी उसी पर चलना चाहिए। आपका नाम? महेंद्र सिंह कड़ेल। प्रतापगढ़ के वाटर वर्क्स रोड पर स्थित महेश चैरिटेबल ट्रस्ट की 205 आरी जमीन का प्रशासन ने सीमांकन कर जमीन ट्रस्ट को सौंप दिया। ये मामला 1999 से न्यायालय में चल रहा था, जिसमें 2024 में हाई कोर्ट ने ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय लिया था। न्यायालय में मामले के चलने के दौरान ये भूमि प्रशासन की रिसीविंग भी थी। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि वाटर वर्क्स रोड पर महेश चैरिटेबल ट्रस्ट की 205 आरी भूमि का विवाद न्यायालय में चल रहा था। वर्तमान में हाई कोर्ट से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय आने के बाद आज ट्रस्ट को भूमि सपोर्ट करने की कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। आज जो कार्रवाई की गई वो अतिक्रमण हटाने की मुख्यतः कार्रवाई नहीं थी। ये माहेश्वरी समाज की जमीन थी यहाँ पे, प्रतापगढ़ मेन वाटर वर्क रोड के पीछे, और ये पुराना केस चल रहा था 1999 से, और तब से ये जो जमीन है गवर्नमेंट की रिसीवरी में दी गई थी और उसके बाद इसमें केस चलते रहे। और अभी 2024 के अंदर रिसेंटली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया वो माहेश्वरी समाज के पक्ष में आया, उसको ऑर्डर के ट्रस्ट के उसमें आया। तो इसकी ही कोर्ट के ऑर्डर के लिए हमें जो ज़मीन थी हमारी जो रिसीवरी में थी वो माहेश्वरी समाज को सुपुर्द करनी थी, और मौके पर ये ज़मीन जो रिक्त पड़ी हुई थी लेकिन इसके सीमांकन में थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें थी और आसपास कुछ कॉलोनियाँ भी कटी हुई, लेकिन सभी लोगों से समझाइश करते हुए और आज बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पूरी भूमि का सीमांकन करवा के उच्चतम न्यायालय की आदेश की अनुपालना में आज ये जमीन जो है माहेश्वरी ट्रस्ट को हमने सुपुर्द की। सर, जो लगभग कितने स्क्वायर फीट या कितने बीघा ये जो ज़मीन थी वो 2 हेक्टेयर 5 एकड़ के आसपास जमीन जो सीमा ज्ञान करवा के ट्रस्ट के सुपुर्द की। आज दिन फिर माननीय केसिंदर साहब द्वारा माहेश्वरी वेस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की जो भूमि सरकार के रसीद में थी, आज माननीय केसिंदर साहब ने नियुक्ति करके 205 आरी हमें सुपुर्द की गई है। इस ज़मीन पर भगवान महेश का मंदिर और महेश चैरिटेबल की संस्था के तहत धर्मशाला बनाई जाएगी, ये हमारा निवेदन है। और आज केसिंदर साहब का सहयोग पूरा रहा, जिन्होंने मतलब जो है कि बिना किसी विवाद के ज़मीन को हमारे सुपुर्द की गई, धन्यवाद। बीकानेर जिले के नापासर थाना इलाके में एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली चोरी की घटना से सबका ध्यान खींचा। सड़क किनारे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के बैक मिरर में एक पर्ची चिपकी हुई मिली। पर्ची में लिखा हुआ था कि ये गाड़ी
चोरी की है। सबसे अनोखी बात यह रही कि स्कॉर्पियो में पर्ची में बड़े बड़े शब्दों में सॉरी लिखा हुआ था। नापासर के जयपुर रोड पर स्थित ग्रीन गार्डन होटल के पास सड़क पर खड़ी लावारिस स्कॉर्पियो की जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो अंदर से ये माफी की चिट्ठी मिली, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। पर्ची पर लिखा था कि चोरी की यह स्कॉर्पियो दिल्ली के पालम विहार इलाके से चुराई गई है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की साइक्लोन टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। टीम ने ऑपरेशन ब्रजमाल चलाकर जिले के इनामी बदमाशों को धर दबोचा। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि अपराधियों के लंबे समय से काल बनकर टूटने वाली रेंज स्तरीय साइक्लोन टीम द्वारा एक बार फिर कार्रवाई करते हुए दो जिलों के बड़े मामलों में वांछित इनामी अपराधी को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। जोधपुर रेंज जिला बाड़मेर में पुलिस थाना कोतवाली के लूट के मामले में वांछित 25,000 इनामी आरोपी को आज गिरफ्तार किया। वहीं रेंज आईजी ने आमजन से भी अपील की है कि अपने आसपास भी कोई आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिले तो पुलिस को जरूर बताएं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। रेंज की साइक्लोन टीम ने एक और बड़ी सफलता अर्जित की है। ऑपरेशन बजरमाल चलाकर पुष्पेंद्र सिंह नाम का अपराधी, जो काफी समय से फरार चल रहा था, इसमें 30,000 का इनाम था, अंतर जिला अपराधी रहा है। अभी इसके बारे में और भी सूचनाएं आ रही है, और जिलों में भी वांछित हो सकता है, बट अभी दो जिलों में बालोतरा और बाड़मेर दोनों में ही वांछित रहा है। तो बहुत लंबे समय से अपनी फरारी पुणे में काट रहा था और अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियों में ही अभी जोधपुर आया हुआ था, तो पुणे में गई हमारी टीम ने, वहां से सूचना हासिल करके सुराग लेकर यहां भी इसको जोधपुर में गिरफ्तार करने में आज सुबह सफलता पाई है। और इन सफलताओं के साथ ही करीब करीब 50 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है, जिन बड़े दुर्दांत अपराधियों के पीछे सैकड़ों रसूल हाथ धोकर पड़ी, जिनको पकड़ने में सफलता हासिल की। बहुत जल्दी यह आंकड़ा 50 पर पहुंच जाएगा। आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं उस पर ये सारे ऑपरेशन हैं लिखे हुए, जिन ऑपरेशन में सफलता मिल गई है और जो ऑपरेशन हमारे अभी चल रहे हैं। जो अपराधी तत्व हैं इस पूरे इलाके में, जिनसे समाज में खतरा है, जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, पूरी पीढ़ी का भविष्य समाप्त करने के लिए नशे शराब इस तरह की आदतों में डालने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ अलख जगाने को, बिगुल भोंकने को साइक्लोन टीम बनाई गई है, जो लगातार सफलताएं अर्जित कर रही है। मैं इस पूरी टीम को भी बधाई देता हूं तथा लोगों से आह्वान करता हूं कि इस तरह के तत्वों के बारे में जहां भी कोई सूचना हो जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग उसके मुकाम तक जेल की सलाखों के पीछे उसको जरूर। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने पर भाई भरत ने पूरी अयोध्या नगरी के साथ उनका स्वागत किया। अलवर के होप सर्कस पर भरत मिलाप का आयोजन किया गया। भरत अपने बड़े भाई राम को देखने ही दौड़कर उनके गले से लिपट गए। इसके बाद मां सीता से आशीर्वाद लिया। इस भावपूर्ण दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे। इस दौरान श्रद्धालु उत्साह से भगवान की जयकारे लगाए। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप कोल की रिपोर्ट। बीकानेर में तेरापंथ धर्म संघ के संगायक कमल सेठिया ने नमस्कार महामंत्र में भक्ति संध्या का श्री गणेश करते हुए भजनों की अविरल भक्ति बढ़ाई। और SSR मैरिज पैलेस में जैन समाज के लोगों ने 24 तीर्थकरों की उपासना भिक्षु शासन वंदना का आनंद भी लिया। इस दौरान जैन महासभा के अध्यक्ष विनोद बाफना, CEO नरेंद्र पूनिया, BJP कार्यालय प्रभारी बेगाराम ज्ञानी, पंचायत समिति सदस्य महपाल सिंह को आयोजन समिति द्वारा सम्मानित किया गया। कमल सेठिया कई देशों में अपने भजनों द्वारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। News 21 से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि परमात्मा ही परम सत्य है। बीकानेर से लोकेश भौरा की स्पेशल रिपोर्ट। कमल जी, आप भुवनेश्वर से लुणगेश्वर धरा पर पधारे हैं और आज जिस प्रकार से जो भजन संध्या का कार्यक्रम है, और ऐसा भी सुना जाता है कि आप बहुत अच्छे लोकप्रिय प्रिय हैं, तो कैसा लगा आपको और यहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है? लोकप्रिय होने के बाद जहाँ तक आपने कही है, पूछी है मेरे से, ये समाज का स्नेह है मेरे प्रति, उनका वात्सल्य है कि अपने भाई जैसा सम्मान वो मुझे देते आए हैं और दे रहे हैं। लूणकरण सर, यद्यपि ये मेरा पहला मौका है जो मैं लूणकरण सर भिक्षु भक्ति संध्या करने आया हूँ, और इसका एकमात्र उद्देश्य है तेरापंथ समाज को, तेरापंथ धर्म संघ के लोगों को आचार्य भिक्षु के चमत्कारों से अवगत कराना, उनके भक्ति गीतों के जरिए महामना भिक्षु और तेरापंथ की विशेषता जानकारी देने के हिसाब से ये भक्ति संध्या का आयोजन होता है। और इन आयोजनों में मेरा एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कि तेरापंथ समाज तेरापंथ को जाने, आचार्य भिक्षु को जाने, तेरापंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा को जाने, एकमात्र उद्देश्य इतना ही है मेरा। अभी तक आपने कहाँ कितने प्रोग्राम कर चुके हैं आज तक, और क्या बाहर विदेशों में भी कहीं गए हैं आप सर? हाँ, कई कार्यक्रम विदेशों में, मेरे सिंगापुर कार्यक्रम हुआ है, दुबई हुआ है,
भूटान अगर विदेश कहें तो भूटान हुआ हुआ है, नेपाल में काफ़ी कार्यक्रम हुए हुए हैं मेरे, और हिंदुस्तान के लगभग सभी शहरों में मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 8 के वार्ड नंबर 103 के पार्षद शंकर शर्मा व दशहरा मेला समिति में आपसी तनाव हो गया। दशहरा मेला समिति व पार्षद ने एक दूसरे पर रंगदारी का आरोप लगाया, जहां पर पार्षद ने समिति पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की बात की। वहीं समिति ने भी स्थानीय पार्षद के खिलाफ कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक शिकायत की, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। प्रतापनगर जयपुर से विजय साहू की रिपोर्ट। मेरे ऊपर जो कल आरोप लगे हैं 50,000 रंगदारी का, ये निराधार है। मेरी क्या नाम जो छवि को धूमिल करने का कार्य इन लोगों ने किया है। आरोप तो सीता मैया पर भी लगे थे, परंतु सीता मैया ने तो अग्नि परीक्षा दे दी, मैं कहाँ से दूँ। तो मेरे तो ये है कि मैं न्यायपालिका की शरण में जाऊँगा, इन सब तथ्यों की जाँच करा के ही क्या नाम से वो करवाऊँगा। मैं शपथ लेता हूँ भगवान श्री राम की कि इनकी दूध का दूध और पानी का पानी करके छोड़ूंगा। और ये लोग क्या है कि मेरे से चुनाव में हारे हुए लोग हैं, तो इनको हार पच नहीं रही है, इसलिए मेरे छवि को धूमिल करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पहले भी कई आरोप मेरे ऊपर मंडे गए हैं, पर उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इनका लोगों का कोई मान ईमान नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं इस समय हूं सेक्टर 8 दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जी पटेल के साथ। वाक्या ये था कि यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम कल जो संपन्न हुआ था, उसके अंदर कई अड़चने कई विवाद आए थे। स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 103 के शंकर शर्मा जी ने आरोप लगाए थे कि यहां पर कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत इन्होंने कई जगह करी। मैं राजेंद्र जी से रूबरू होकर के इस विषय में जानना चाहता हूं कि राजेंद्र जी, कल का जो विषय रहा रावण को लेकर के कई धरना प्रदर्शन कई हुए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमें 15 से 20 साल के करीब रावण दहन करते हो गए। व्यापार मंडल सेक्टर 8 और दशहरा मेला समिति प्रताप नगर की ओर से ये रावण दहन किया जाता है। ये अनूठा रावण दहन होता है पूरे इंडिया में, भारत में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि यहाँ तीये की बैठक से लेके और 12वें की रस्म पगड़ी रस्म तक होती है। हम यहाँ से हरिद्वार भी जाते हैं। इस रावण को पहली बार स्थानीय पार्षद शंकर शर्मा द्वारा आरोपित किया गया कि यह यातायात की व्यवस्था में बाधा पड़ती है या विस्फोट हो सकता है या पेट्रोल पंप है आसपास में। 15-20 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने पहली बार फिर समिति से इन्होंने 50,000 रुपये की मांग की, हमने समिति ने देने से मना किया। तो इन्होंने जगह जगह मानवाधिकार आयोग, SP, कलेक्टर, यहाँ तक कि कोर्ट तक भी इस रावण को रुकवाने की पूरी कोशिश की। जब ये रावण नहीं रुका, तब इन्होंने कहा कि देखो अब भी दे दो, अगर आप लोग मुझे मेरी सेवा करोगे तो मैं अपनी शिकायतें वापस ले लूँगा। लेकिन समिति ने अपना निश्चय नहीं बदला। परेशान होकर हिंदू धार्मिक आस्थाओं को इन्होंने ठेस पहुँचाई। कल सुबह फिर समिति ने फैसला किया कि हम रावण नहीं जलाएंगे, इस बार रावण नहीं जलाएंगे, पार्षद को 50,000 रुपये देंगे तभी रावण जलाएंगे। उस बात को लेकर शाम तक हमारा CMO से जो वार्तालाप हुई, और CMO ने हमें ये कहा कि 2 दिन में इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। तब रात को 10:15 बजे राउंड देन हुआ। इसने परेशान होकर, इस पार्षद ने हम लोगों को सबको परेशान किया, धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, यही प्रकरण कल चला। बिल्कुल, कहते हैं ना कि रंगदारी का आरोप लगाया जा रहा है सीधा पार्षद वार्ड नंबर 103 के शंकर बागड़ा जी पर, और ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक नहीं, ये आदरणीय राजेंद्र जी ने बताया है। और इसके आगे मामला इतना पहुँच गया कि CMO को इसको दखलंदाजी करनी पड़ी। विजय साहू, News 21, जयपुर, राजस्थान। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र के काचोला में अवैध बजरी खनन के बाद अब कटारियों का खेड़ा में सिलिका सेंड और चाइना क्ले की खदान पर नियम विरुद्ध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। खनिज विभाग और खान सुरक्षा निदेशालय के जिम्मेदार अफसरों के निरीक्षण पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खदान पर प्रशिक्षित फोरमैन की गैर मौजूदगी में श्रमिकों और मशीन ऑपरेटर से जान जोखिम में डालकर खतरनाक काम कराया जा रहा है, जिससे कि खदान में कभी भी गंभीर हादसा होने की आशंका बनी रहती है। यहां श्रमिकों से बिना हेल्थ सेफ्टी किट से जोखिम भरा काम जा रहा है। इस मामले को लेकर कटारियों का खेड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारियों को खान संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत की है। खदान पर
केरी लाइसेंस का प्रदर्शन बोर्ड तक नहीं लगा रखा। ग्रामीणों ने पर्यावरण और ऐतिहासिक बावड़ी का अस्तित्व बचाने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की स्पेशल रिपोर्ट। खान चाल रही जिमो जोड़ो उड़े खान खोदे जिगड़िया जो मई फसल खराब हो रही जोड़ो उड़े जो नरे मनक बीमार हो गया। इसकी शिकायत की क्या खान वालों को? खान वालों को शिकायत कर दी नहीं कोई की नहीं करो होना ही नहीं करा। डीडवाने की मई से हमारे डरियागढ़ा के पास में जिसमें चार दीवारी नहीं है सुख सही कोई समाधान नहीं उसको हम बोलते तो वो बोला नहीं कराएंगे और जो भी हमारे जानवर है जंगली जानवर है कई बार गिर चुके हैं सुनाई नहीं करे हमारी चार दीवारी खराब। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक दिन पहले प्रदेश में 78 नगरीय निकाय यानी कि नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका में की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर यूटर्न ले लिया है। देर रात्रि मनोनीत किए गए पार्षदों को बधाई मिलने से पहले ही जारी किए गए आदेश हुए निरस्त कर दिए गए। स्वायत्त शासन निदेशालय के निर्देशानुसार कुमार पाल गौतम ने 13 अक्टूबर को निकायों में 550 पार्षद नियुक्त किए थे। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पहले में जारी किए आदेशों को निरस्त कर दिया। खेरली नगर पालिका में 6 और कठुमर नगर पालिका में 6 लोगों को मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया। नियुक्तियां देकर कुछ ही घंटों में वापस छीनने का सियासी हलकों में चर्चा भी शुरू हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक और जिलाध्यक्ष के अलावा स्थानीय स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी इन नियुक्तियों से संतुष्ट नहीं थे। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर में डीएसटी टीम और सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से डोडा चूरा ले जाए जा रहे लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध डोडा चूरा चित्तौड़ से उदयपुर होते हुए पंजाब ले जाया जा रहा था। मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र सिंह के साथ अन्य युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। RJ27CL1488 नंबर की कार को जब्त किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।